बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी अमरीन काशिफ, हाउ आर यू माय ब्यूटीज़, माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो आपके सामने है, ब्लू चंकी ग्लिटर्स के साथ ये मैंने लुक अचीव किया है। और ये प्रोडक्ट मुझे भेजी थी सिव्स ब्यूटी की तरफ से, तो इनकी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए ये मैंने लुक अचीव किया है। आपके सामने ही एक इनके चंकी ग्लिटर्स और इनके वेलवेटी शेड्स। तो चलें इस लुक को क्रिएट करते हैं, इस लुक को अचीव करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम अपने आईब्रोज को कर लेंगे शेप अप क्रिस्टीन के ब्राउन इंटरफेरेंस के क्लाइनर की मदद से। मैं अपने आईब्रोज को कर लूँगी शेप अप। उसके बाद हम अपने आईज मेकअप को करते हैं स्टार्ट। मिस रोज़ का कंसीलर लेंगे और उससे हम अपने आईज़ की बेस को बनाएंगे। बहुत केयरफुली लाइन क्रिएट करेंगे ताकि हमारी जो हमने अपनी आईब्रोज़ को शेप अप किया है वो भी इन्हेंस हो जाए। तो अपने आईज़ का हम लोग बेस कंप्लीट कर लेंगे। अपर साइड पे भी बहुत केयरफुली आप एक लाइन क्रिएट कीजिए। इस ये करने से हम अपनी हमारी आईब्रोज़ जो हैं ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। फ्लैट ब्रश की मदद से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग करते वक्त भी हमें एहतियात करना है कि वो जो हमने एक लाइन क्रिएट किए हैं उसे एक प्रॉपर वे पर लेके जाएं, क्योंकि अगर हम जल्दी में ब्लेंडिंग करेंगे तो वो लाइन डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए बोथ साइड पर भी। तो क्रिस्टीन का लूज पाउडर लूँगी नंबर 2, उससे कर लेंगे हम अपने आई बेस को सेट। जी, आई बेस हो गया है सेट। अब मैं एक टेप लूँगी और उसको अपने आईज़ के कॉर्नर पे सेट कर लूँगी। मुझे अपने आईज़ का कॉर्नर बनाना है। एक लूँगी काजल पेंसिल, उसकी आप देखिए कि मेरे काजल पेंसिल की नोक एक बिल्कुल पतली वाली पेंसिल है, एक चौड़ी पेंसिल आती है। तो मुझे एक लाइनर की शेप में काजल लगाना है। जैसे कि हम लाइनर का कॉर्नर बनाते हैं सेम वैसे एक मोटा मोटा सा हम काजल की एक लाइन बना लेंगे। उसके बाद उसे मैं करूँगी ब्लेंड, आपको नज़र आ रहा होगा। ग्लैमर्स के पैलेट से मैं एक रॉयल ब्लू शेड लूँगी और उसे इस काजल पेंसिल के साथ ब्लेंड करती जाऊँगी। और उसको अच्छी से ब्लेंडिंग करते हुए आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करते हुए मैं इनर कॉर्नर के साथ अपना कॉर्नर बनाऊंगी। वी शेप में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल टेप के साथ मैं उस कलर को ले जाके ब्लेंड करती जाऊंगी ताकि मेरा एक डार्कर सा डेप कॉर्नर मिल जाए। अब मैं इसी पैलेट से लाइट रोजी शेड लूँगी और अपने आईज को करूँगी कंट्रोल और उस अपने जो मैंने ब्लू कलर लिया है उस कलर को इस ट्रांजेक्शन कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग 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 बहुत ज़रूरी है कोई सी भी मेकअप को अच्छा दिखाने के लिए। तो सिल्स ब्यूटी का मैं मखमली शेड है इनका ब्लू कलर का, इसका नंबर है 22। तो लगाने में बहुत ईजीएस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। दिख रहा होगा आपको कि वन टच में इतना मखमली और अच्छा सा कलर इसका आएगा। तो इसे मैं पूरे अपने आईलेट पे लगा लूँगी। ब्लू शेड है, बहुत प्यारा सा ब्लू शेड है। आप इनके प्रोडक्ट को ज़रूर देखिएगा, सिल्स ब्यूटी की वेबसाइट पे जाइएगा। जी जनाब, अब कंसीलर लूँगी और उसे मैं अपने आईलेट पे अप्लाई कर दूँगी। और उसका जो है ग्लिटर, चंकी ग्लिटर है सिल्वर में, वो चंकी ग्लिटर्स में अपने आईलेट पर अप्लाई कर दूंगी जो हमारा आईलेट का फोल्ड। तो देखिए अप्लाई हो गए हैं। अब मैं निकाल रही हूँ अपना टेप, टेप को निकाल दूंगी तो मेरा कॉर्नर बन चुका है। अब मैं बनाऊंगी अपने आईज के नीचे का बेस। लुक एट दिस, बेस हो गया है कंप्लीट। टाइम सेव करने के लिए मैंने अपना बेस बना लिया था और आपको मैं हमेशा बेस बनाने का तरीका बता चुकी हूँ कि मेकअप करने के बाद, आईज मेकअप करने के बाद आप अपना बेस बनाएं तो आपका बेस वैसे ही फ्रेश रहेगा। अब मैं करूँगी अपने वाटर लाइन पे काम। ब्लू शेड लूँगी और अपने वाटर लाइन पर इसे अप्लाई करूँगी। वाटर लाइन पे अप्लाई करने के बाद अब मैं अपने इनर कॉर्नर को लाइट गोल्ड शेड के साथ, मैक के लाइट गोल्ड शेड के साथ अपने इनर कॉर्नर को करूँगी हाईलाइट, जैसे कि आपको दिख रहा है
इनर कॉर्नर हो गए हैं हाईलाइट, तो अब मैं ब्रोमन को भी उसी शेड के साथ, वाइट गोल्ड शेड है, बहुत ब्यूटीफुल पिगमेंट है इसकी भी, उसे मैं इसे हाईलाइट कर लूँगी। बोथ साइड में हाईलाइट करने के बाद आप अपने काजल आईज पे काजल अप्लाई करूँगी। ये मेरी काजल पेंसिल है, मोस्ट फेवरेट, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है, तो आईज पे मैं कर लूँगी काजल पेंसिल अप्लाई। अब हम करते हैं मस्कारा अप्लाई। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो जब डालूं तो आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। करते हैं लैशेज अप्लाई। लीजिए लैशेज हो गई हैं अप्लाई, मैं अपनी लैशेज को कर रही हूँ सेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने चेहरे को, कर लेती हूँ थोड़ा सा हाईलाइट, फिर दिखाती हूँ अपने मेकअप का कंप्लीट लुक। तो लीजिए मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट, ये है मेरे आईज का कंप्लीट लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।